राम राम सब भाई साहब ने जितने लोग जब ब्लॉग है देख रहे हैं दोस्तों, बहुत दिन से डिमांड आ रही है तुम ब्रजभाषा में ब्लॉग बनाओ। तो आज हमने सोची कि हम आज ब्रजभाषा में ब्लॉग बनाते। तो आज भाव का के हम आगरे ते आए अपने गांव में। तो हमारा गांव और हमारा आगरे में घर नजदीक है। तो हम बाजार में हूँ एक घर हुआ, गांव में हूँ घर हुआ, तो दोनों जगह रहते हैं। मम्मी पापा जहाँ पे रहते हैं हम लोग आगरा रह लेते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस वगैरह जाना पड़ता है तो जा चक्कर में आगरा रहते हैं। अब आप लोग हमारे ब्लॉगर ने पुराने ने देख रहे हैं तो तुम्हें पता होगी कि हम घर बनवा रहे हैं। मतलब एक फ्लोर तो हमारा पहले थे हथुई हो, तो दूसरा फ्लोर बनना, तो वहाँ पे काम चल रहा। आज शाम को कहा कि मैं अपने पापन के संग बैठे आओ, चलो घर ले चल लो, गाँव में घूमेंगे देखेंगे कहा कैसे चल रहा है। तो खानो आएगा और गांव की डाइट दिखाता हूँ कि गांव के लोग कैसे ऐसे मतलब मजबूत बने रहते हैं, और हम जैसे शहर के लोग, शहर के तो ना है लेकिन शहर में रह रहे हैं 8-10 साल से, तो थोड़े शहरी तो है ही गए हैं। तो तुम्हें दिखाता है कि आज की डाइट कैसी रही है, ये घर वाले ने क्या क्या आइटम बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरा और ऊपर करूँ ताकि सब आइटम देख सकें। तो वैसे मैंने बिना बताए आऊँ तो घर को जो नॉर्मल डाइट है, कोई स्पेशल डाइट ना, कोई मैंने बताए गए ना हो, मैं एक संग आएगा तो जे हैं आलू के पराठे जो कि देसी घी में बने भाई हैं, और जी दाल है पतोना काय की दाल है, और मैं तो जानता ना पीली सी दाल है, और जी है सौंठ, और जी है दही, और एकदम घर को कटेमा बना भाव देख सकते हैं बहुत टॉप को, और जी है शिमला मिर्च। तो फटाफट थे ऐसा बढ़िया टॉप के खाने हैं, जल्दी से खा लेते हैं, फिर आप लोगों ने दिखाएंगे कि और का का चीज़ यहाँ पे होंगी। तो ब्लॉग अभी लाइक कर दो और सब लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखी हो। तो भाई साहब हम आगरे ते आए तो यसी के काजे मूंगफली ले आए, तो मूंगफली पीछे रखी है मैंने, तो थोड़ी सी खा ली जे लगी थी किचन में काम करवेगी काजे, चौकी जाए काम करवेगी हम पैसा देते हैं अलग थे। काम करने पैसा देते हैं, बहुत बड़े पैसा देते हैं और काम का। करवे के मां। तो मैंने कल ब्लॉग में बताई ना कि एक काम वाली है, तो हम काम करवेगी थोड़े से पैसा दे देते हैं, ताते जी फटाफट फटाफट हाथ चलावते हैं काम करवे। और झूठ बिटार करते रहते हैं। तो वैसे चोरी सही है, काम धंधे सगे कर लेते हैं। और रुतवी संग आएगी, देखो चोरा चोरी घर में आ जाए, बड़े मम्मी पापन को तो बड़ा मन लगा रहते हुए। जैसे लाली आएगी अति बड़े भैया की लाली है रुतवी, और जी भाई धर्म पत्नी है ऑन रिकॉर्ड, अभी नाए वैसे ही है, मतलब धर्म पत्नी रिकॉर्ड तो नाए, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज होते ना वैसे ही अरेंज मैरिज होते हैं, अरेंज मैरिज। हाँ तो कोई प्रूफ तो होते ना, बस वो फोटो है तो डिलीट मारे हुए थे फोटो डिलीट, और एल्बम पे धोखा हुए थे गाय एल्बम मेरे पास रखी है, फोटो मोबाइल में, मेरा मोबाइल मेरे पास है। चाहे तब धोखा है तो कोई पता ना चल रही, मतलब कोई प्रूफ ना, तो क्या शादी भाई गया कहता है। तो ऐसा सिस्टम हुआ है तो बढ़िया है। और वैसे एक चीज बताए कि देखो तो मतलब लोगों ने सलाह की बात बताऊं, विभिन्न ज्यादा वैसा मत करो, करो और इतना ध्यान हो वैसा कर भी मैं मत लगा, कहूँ अच्छी जगह लगा लो तो फायदा में रहेंगे, क्योंकि विभिन्न तो भगवान नहीं जीत पाए हम कहा जीतेंगे और का। तो ऐसा ऐसा हुआ तो खाना पीना हम लोग ना खाए लो, और टाइम काफ़ी ज़्यादा है काफ़ी ज़्यादा तो ना 8 बज रहे हैं, और दूध वूध पी के और सोंगे, सुबह दिखाएंगे। तो मैंने काका स्पेशल होता है भाई, मम्मी पापा सुबह की तैयारी में लगे हैं, ऐसा हो गई है भैसिन की देख रेख करनी पड़ती है सुबह की, तो अभी शाम को तैयारी करके रखनी पड़ती है, जैसे कि दलिया दलिया वगैरह रांधना है, तो बाको सकता हूँ अभी तो करना हो। बहुत सारे लोगों ने भाई भाषा पता ना समझ में आती होगी कि नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सगन ना समझ में आ जाए। तो ऐसा हुआ, और मुझे रात भी रात कॉल आते रहते हैं लोगों ने, चौकी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर डरो रहते हुए, और कचू कस्टमर होते हैं, कचू हमें सर्विस देते हैं, बिन लोगों के आते हैं, तो अलग अलग लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, जो डिस्टर्ब तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश में एक कहावत है कस्टमर इज किंग, मतलब ग्राहक ही किंग मतलब राजा है, तो राजा की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो है, और बाकी को देखते हैं गाँव में का का चीज़ स्पेशल दिखेगी, लगातार ब्लॉग आ रहे हैं स्पेशल, काफी ज्यादा चीज तो मैं दिख रही हूँ होंगी। करो डांस करो, तो 8:40 रह गई हैं, और अभी अभी कमरा में जाए भी को टाइम है चुका हुआ, और यहाँ पे यसी अपना दूध गर्म कर रही है, बाकी को रुतवी
सोएबे की तैयारी करी। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वो कहाँ होती है कि जब टॉयलेट लगते हैं तो बाहर जाना पड़ता है, सबसे बाहर देखो माटी, इतनी दूर जाना पड़ता है। तो जैसे रात में 2 बार आए तो आदमी 1 ही बार जागो, इतनी ठंड में जगवे के चक्कर में तो बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो दूध पिए सुबह, फिर सुबह दिखाते हैं यहाँ पे काका और होता है। तो भाई साहब यसी की तबीयत खराब है वे की वजह से हमें आगरा निकल के आना पड़ा सुबह सुबह जल्दी ही, और दवाई फाई दिलवा दी। अब मैं आएगा छत पे, थोड़ा सा यहाँ पे काम चल रहा है। अब सुबह सुबह हमें तलाई करनी पड़ती है, तो तलाई कर भी कहने मैं थोड़ा सा दिखाई दूँ कि कितना सा घर बन चुका है। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये दीवार वगैरह पूरी है, ये काम काफ़ी ज़्यादा है गो जी, आप देख सकते हैं। तो आज वैसे काफ़ी काम है जागा, जो जोड़ी जंगला होते हैं बिंडू वगैरह भी लग जाएंगी, आ चुकी हैं, प्राइमरी है चुका हुआ है। तो वैसे तैयारी तो पूरी है। और मैं साइड में आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे ये तो अपना ही घर है, अब पीछे की साइड देखेंगे तो पीछे एक और घर बन रहा है जेरा, और थोड़ा सा बालकनी की साइड आके मैं दिखाऊंगा तो एक पे लेंटर ऑलरेडी डल चुका हुआ है, ये पीछे देख सकते हैं। तो ये पीछे जाके लेंटर डल चुका है, तो फटाफट से तलाई करवा दें और फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ होंगी। बहुत दिखाई देते पहले थोड़ा बाहर को नज़ारा आप लोगों ने दिखाई देते हैं। देखो एक तो जे घर है तहाँ पे लेंटर डल चुका है, एक ये रहो जे बन रहा है, और फाइनली जी छोटा सा अपना घर है। और जाऊँ मैं थोड़ी सी चीज़ है, ज़्यादा कोई खास बड़ा तो नहीं। देखो मैं तुम्हें समझाऊँ कि जी तो बालकनी के लिए रास्ता है, तो बालकनी में निकल जाते हैं, और जी आप देख सकते हैं एक रूम है, एक रूम उधर है, और जैसे ही इधर की साइड जाएंगे तो एक रूम ये है जी बंद देख रहा हो, और सामने फिर बालकनी है, और जहाँ रूम के सामने जो स्पेस है जहाँ जहाँ को जी लॉबी है। तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हो, और देख सकते हो सूरज चंदा सूरज निकला हुआ सुबह सुबह, धूप निकलने पर आई है थोड़ी देर में। और अभी कंप्लीट तो है भी में टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी है चुका हुआ, मतलब आप जी देख सकते जी दीवार पूरी होगी कंप्लीट, स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक कंप्लीट है गई है। पीछे की देख सकते हैं वो कंप्लीट है गई है, ये पिलर वगैरह सब मोस्टली खड़े है गए, थोड़े थोड़े बचे हैं, बाकी की इत जोड़ी जंगला वगैरह लगाएंगे तो ज़्यादा दीवार खड़ी करी ना है, और बाकी का देखते हैं कंप्लीट है वे के बाद कैसा लुक आएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, और चाहे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि देखो एक तो 3-4 दिन आते ब्लॉग ना आ पाए, क्योंकि भागदौड़ इतनी मची है कि हमें गांव में जाना पड़ता है, गांव का घर देखना पड़ता है, मऊ काम धंधे खेत खिला रहे सारी चीज़ें वो देखना पड़ता है, और प्लस यहाँ आगे रहे काम चल रहा जी घर बन रहा तो न्यू मिस्त्री इनके पास रहना पड़ता है, और तीसरी चीज़ ऑफिस जाए वो डेली जरूरी है, तो ऑफिस के काम डेली एक जने जाना पड़ता है, घर में सदस्य कम है लेकिन काम ज़्यादा है, तो बे सग चीज़ें मैनेज कर भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन एडजस्ट है जाता है, ऐसी बात ना कि इतनी परेशानी है रही हो तो ऐसी कोई दिक्कत ना, एक एक लोग सब लोग एक एक काम में मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस के काम में पूरे संभाल लेता हूँ, बड़े भाई साहब हैं जाटी घर के काम में संभालते हैं, और पापा हैं गाँव के सबरे खेत खिला रहे घर गुरे है वे सब चीज़ें ना संभालते हैं, तो सब लोग अपो काम करते हैं। कभी कभार दिक्कत कब है जाते हैं जब घर के काउ मेंबर की तबीयत खराब है जाए, और तबीयत खराब हो जाते हैं तब सबसे बड़ा इशू हमारे खाने क्रिएट है जाता है, क्योंकि फिर एडजस्ट करे वो मुश्किल है जाता है, तो या तो ऑफिस बंद करना पड़ता है या कचूना कचू करके एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों जी ब्रज भाषा बाब ब्लॉग कैसा लगे, और काफ़ी कचू है रहा जिंदगी में तो हम दिखाई की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय को बड़ा अभाव सा हो तो जा वजह से प्रॉपर ब्लॉग ना पा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितने ब्लॉग आप लोगों ने दिखाए सकें ज़्यादा से ज़्यादा दिखावें, और ब्लॉगर ने लाइक करते रहो, और आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता दियो, और धन्यवाद जहाँ ब्लॉग है देख भी के कहें।